सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों ने अपने सारे पेपर दे लिए हैं, अब सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी की बारी है। तो सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी में आपको सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स अच्छे से लिख करके फिर मैंने आपको सारे विषयों को पढ़ाया है। तो अगर आप चाहते हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी बहुत अच्छे नंबर आए, तो इसके लिए आप लोग टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल से आज ही जुड़ जाइए। आप सारे क्लासेस को पढ़िए। जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि सेकेंड सेमेस्टर कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी सारे विषयों की, और सारे विषयों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी करा दिए हैं मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के, तो सॉल्यूशंस को भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञ संयुक्त रूप है, जो ज्ञ है ये किससे मिलकर के बना हुआ है। सिंपल सा प्रश्न है, ज और य से ग और आ से ज और आ से या ज्ञ और आ से। राइट आंसर है ज और य से मिलकर के बना हुआ है ज्ञ। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है एक। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रियंगु शब्द बोधक है, चने का, चावल का, बाजरे का या तिल का। तो चने को हम चड़का कहते हैं संस्कृत में दोस्तों, चावल को हम तंडुला कहते हैं, तिल को तिलम कहते हैं, तो बचा कौन? बाजरा। बाजरे को हम प्रियंगु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नद्य शब्द रूप है। अगर नदी शब्द रूप आपको याद होगा तो नदी शब्द रूप में जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है उसमें आता है नद्य। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, पठामी धातु रूप है, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामी पठावा पठामा, और ये है पठ धातु रूप पढ़ना, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। और गम धातु में तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति होता है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशुद्ध वाक्य है, इसमें अहम पठामी ये बिल्कुल सही है, जैसे करता है उसी के अनुसार क्रिया है, मोहना गच्छति ये भी बिल्कुल सही है, मह्यम फलम अनया ये भी सही है, लेकिन मम सह रमेश गच्छति, मम सह नहीं होता है, मया सह होता है, मेरे साथ के लिए मया होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा और हमें अशुद्ध ही ढूंढना था। तो ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। तो अहम पठामी मोहना गच्छति मयाम फलम आनय ये भी सही है, बस केवल ये यहाँ पर मया होता तो ये सही होता, तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधोलिखित का संस्कृत लिखिए, सरसों, शरीफा, कटहल, पीपल। यहाँ पर इन चारों का हमें संस्कृत संस्कृत रूप लिखना है, तो सरसों का हो जाएगा सरसप इस तरीके से, या सरसपा, यहाँ पर आप इस तरीके से विसर्ग भी लगा सकते हैं। फिर शरीफा है, तो शरीफा को हम सीताफलम कहते हैं इस तरीके से, सीताफलम। कटहल है, कटहल को हम पनस या पनसम भी कहते हैं या पनसा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पीपल है, तो इसको हम कहते हैं अश्वत्थ, अश्वत्थ इस तरीके से, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए, प्लश, प्लशह जो है ये है गुलर। दोस्तों, इसको यहाँ पर जो प्लशह है इसको आप लोग छोड़ दीजिए अभी, इसका जो मीनिंग है वो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। यहाँ पर प्लास दिया हुआ है, तो प्लास बिल्कुल सही है, बस खाली यहाँ पर आपको जो बिंदु लगे हुए हैं यानी कि जो विसर्ग लगे हुए हैं बस उनको हटा देना है, ठीक है। तुम्बी, तुम्बी एक तरीके से दोस्तों होता है, इसको हम कहते हैं छोटा कड़ुआ लौकी या छोटा कड़ुआ कद्दू, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना था इसको, छोटा कड़ुआ कड़ुआ कद्दू या लौकी, जो कि इसको हम तितलौकी भी बोलते हैं, ठीक है। और अमृत फलम जो है, अमृत फलम हम कहते हैं नाशपाती को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पर, किन्हीं दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो दो पशुओं के नाम बंदर का वानर लिख सकते थे, इसके अलावा आप बकरी का लिख सकते थे, बकरी को अजा कहते हैं, और गाय का लिख सकते थे गाय को धेनु कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, हितम मनोहारी च दुर्लभ वच, शुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए, यानी कि हितकारी वचन, ऐसे वचन जो हमारे लिए अच्छे हो और वो हमें सुनने में भी अच्छे लगे, ऐसे वचन बहुत
दुर्लभ होते हैं, यानी कि बहुत कम सुनने को मिलते हैं। यानी कि अगर कोई हमारा भला सोच रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमें कड़वा बोलेगा, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे अपने हो, ठीक है। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि वो वचन सुनने में भी अच्छे हो और हमारे मन को भी अच्छे लगे। क्वेश्चन नंबर 10 है विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति। दोस्तों, तो विदुषा शब्द है ये तृतीया विभक्ति एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं भवत शब्द का पुलिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो पहले हम पुलिंग में लिखेंगे, तो पुलिंग में हो जाएगा भवान, भवंतो, भवंतः, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भवती, ये स्त्रीलिंग में बता रही हूं मैं, भवती हो जाएगा। फिर इसके बाद भवत्यो, भवत्यो, और फिर हो जाएगा भवत्सः, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। 5 से 15 तक गिनती लिखने थी। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 1 से 50 तक गिनती लिख करके दिखाया था और पूरा 1 से 100 तक की मैंने अलग से वीडियो ही बनाई है गिनती की। तो 5 से आपको पंच, षष्ट, सप्त इस तरीके से लिखना था, अष्ट, नव, दशम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, इस तरीके से आपको लिखना था। 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाते इसमें। संस्कृत के महेश्वर सूत्र, संस्कृत पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैंने, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को ही लिखवाया और माहेश्वर सूत्रों को ही याद करना बताया। अगर अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस नहीं ली हैं हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से, तो सेकेंड सेमेस्टर में अगर वाकई में आपको 97-98% तक नंबर चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल से आधे ही जुड़ जाइए, क्योंकि हर विषय को लिख करके दोस्तों अपने हाथों से नोट्स बना करके आप लोगों को पढ़ाया है। एक बार आप सिर्फ एक विषय को पढ़ करके देखिए, आपको आदत हो जाएगी, आप सारे विषयों को टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल से ही पढ़ करके जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको क्लासेस की भी लिंक मिल जाएगी और सारे विषयों के सॉल्यूशंस जो पेपर है उनकी भी लिंक मिल जाएगी। संस्कृत के महेश्वर सूत्रों का अयुड़ इस तरीके से आपको लिखना था, अयुड़, रिलरिक, एओंग, एओज, इस तरीके से 14 सूत्र हैं। 14 सूत्रों का नाम लिखने पर आपको 2 नंबर मिलते, बहुत आसान है। अगर याद है तो कुछ भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए। तो संस्कृत भाषा के महत्व को बताते हुए आपको संस्कृत भाषा में ही 5 शब्द इसमें बनाने थे दोस्तों। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है आपको, बस इस तरीके से लिख देना था कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। तो सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति, यानी कि जो 4 वेद है वो भी क्या है, संस्कृत में ही है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना था। संस्कृत भाषाया भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, जो संस्कृत भाषा है यह संस्कृत भाषा हमारे देश की क्या है, हमारे देश की एकता का आधार है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते थे कि संस्कृत भाषा स्वयं रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक भाषा च अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है, ये भी आप लिख सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस और आप इस तरीके से लिख सकते थे कि प्राचीन काले सर्वे एवं भारतीया संस्कृत भाषाया एवं व्यवहारम कुर्वत अस्मि, यानी कि प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा में ही बोलचाल या व्यवहार की जो उनकी भाषा थी वो संस्कृत ही थी, उसी में वो बोलचाल या बातचीत करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 है संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख करिए। तो आपको बस विधियों का नाम लिखना था कि किस तरीके से किन किन विधियों का प्रयोग करके हम संस्कृत भाषा को पढ़ाते हैं, किन किन सूत्रों का प्रयोग करके भी आप यहाँ पर अगर चाहते तो लिख सकते थे कि सरल से कठिन की ओर, किस तरीके से हम बच्चों को व्याकरण पढ़ाते हैं, ये सारी बातें। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। तो सस्वर वाचन में दोस्तों टीचर के साथ साथ बच्चे पढ़ते जाते हैं, जबकि अनुकरण वाचन में एक बार टीचर पढ़ते हैं फिर बच्चे उनका अनुकरण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है संस्कृत में लिंग के भेद को उदाहरण से देखिए। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपुंसक लिंग। पुलिंग में आप बालक लिख सकते थे, स्त्रीलिंग में आप बालिका लिख सकते थे, और जो जो नपुंसक लिंग है उसमें आप सामानों के नाम जैसे मेज, कुर्सी है, ये सब लिख सकते थे। तो इस तरीके से अलग अलग आपको लिखना था। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद करिए। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो गणेशाय मोदकम रोचते, गणेशाय मोदकम रोचते, मोदकम रोचते, ठीक है। यहाँ पर आप इकट्ठे मत इसको समझ लीजिएगा, गणेशाय मोदकम रोचते। गुरु को नमस्कार है, बहुत आसान है, गुरुवे नमः, बस हो गया।
ठीक है, यहाँ पर विसर्ग ये पूरा। फिर राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, तो ये हो जाएगा राम पठनाय काशी गच्छति, राम पठनाय काशी गच्छति। श्याम पिता के साथ जाता है, तो श्याम पित्रेण सह अगच्छत, तो श्याम पित्रेण सह अगच्छत। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा दोस्तों। अगर पेपर अच्छा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आपको जैसे मैंने कहा कि सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए, तो अभी से आप टारगेट यूपी टेट स्टेट जनरल से सारे विषयों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अलग से आपको यूट्यूब पर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ाने में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, तैयारी कैसे करनी है सेकेंड सेमेस्टर की ये सारी बातें भी मैंने बताई हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों का सलेशन आप मिला लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से सिर्फ बने रहिए, और ढेर सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूंगी और आपकी तैयारी को बेहतर बनाती रहूंगी। जय हिंद दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी जो वीडियोज मैं बनाती हूँ। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।